Hello guys, this is Muskan and welcome to say hello to fitness. So, आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ, which is mango overnight oats. तो जो भी mango lovers हैं, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल perfect है. So, let's begin with our recipe. और ये रहे मेरे ingredients. यहाँ पे मैंने milk लिया हुआ है 1 cup. उसके बाद 2 teaspoons of basil seeds, जिसे हम लोग सब्जा seeds या फलूदा seeds भी बोलते हैं. इसकी रेसिपी मैंने लास्ट वीडियो में भी शो की हुई थी, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट. उसके बाद मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया हुआ है 2 teaspoons, इसको हम नारियल का बुराडा भी बोलते हैं. और हमारा सबसे फेवरेट किंग ऑफ फ्रूट्स, मैंने 1/2 mango लिया हुआ है और 1 ripe banana लिया हुआ है. मैं यहाँ पे क्विक ओट्स यूज़ करूँगी, 4 tablespoons. ओवरनाइट ओट्स में क्विक ओट्स ज़्यादा बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू रोल्ड ओट्स. एंड इन द एंड मैंने यहाँ पे आलमंड स्टॉप लिया हुआ है, 4 आलमंड स्टॉप. सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे बनाना लेके, और मैं 1/2 banana बाउल में ऐड कर दूँगी. ये रेसिपी आप ब्रेकफास्ट या लंच में ले सकते हो, डोंट कीप इट फॉर डिनर. सो सिंपली हमें एक फोर्क लेना है और इसको मैश कर देना है. आप यहाँ पे इसको ग्राइंड भी कर सकते हो, बट मैश करना एक बेटर ऑप्शन है. मैंगो एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट है, इसमें विटामिन सी एंड फाइबर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, जिससे हमारी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो भी मिलता है. सो यू शुड ईट मैंगो इन स्मॉल क्वांटिटी. उसके बाद हम एक जार लेंगे, मैं यहाँ पे एक ग्लास का कंटेनर यूज़ कर रही हूँ. अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे स्टील का कंटेनर भी यूज़ कर सकते हो. इसमें मैं ऐड कर दूँगी हमारे मैश बनाना एंड मैंगो. ये रेसिपी आप बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हो फॉर फ्यू डेज. मैंने इसको कम से कम 4 days तक स्टे करने दिया था और वो तभी भी फ्रेश था. सो आपके लिए बहुत ही अच्छा मील प्रिपरेशन ऑप्शन है. उसके बाद जो हमारा मिल्क है वो मैं बाउल में डालूंगी और अच्छे से उसको मिक्स कर दूंगी. जो भी हमारा मैंगो उसमें लगा हुआ होगा वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा. और उसके बाद इसको हम जार में ऐड कर देंगे. मैंने अपने चैनल पे एक और ओवरनाइट ओट्स की रेसिपी शो की हुई है बहुत पहले, डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट. वो रेसिपी स्पेशली कॉफ़ी लवर्स के लिए है. एंड नाउ इसमें मैं ऐड कर दूंगी बेसिल सीड्स. आप यहाँ पे चिया सीड्स भी ऐड कर सकते हो. मैं यहाँ पे 4 tablespoons ऑफ ओट्स यूज़ करूँगी. आप इसमें ओट्स ऐड करने से पहले इसको रोस्ट भी कर सकते हो. रोस्टेड ओट्स ऐड करना एक बेटर ऑप्शन है. ओट्स में फाइबर की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, जिससे अगर आप मॉर्निंग में लेते हो तो आपको बहुत टाइम तक भूख नहीं लगने देगा. ओट्स को आप मल्टीपल वेज में बना सकते हो, ये बहुत ही वर्सेटाइल फूड है. सो यू शुड इंक्लूड इट इन योर डाइट. अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी एंड गिव इट अ क्विक मिक्स. मैंने इसमें कोई और स्वीटनर ऐड नहीं किया हुआ है, बिकॉज ऑलरेडी हमने इसमें मैंगो एंड बनाना ऐड किया हुआ है जो बहुत ही स्वीट होते हैं. अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 tablespoons ऑफ कर्ड. सॉरी, मैं स्टार्ट में शो करना भूल गई थी. और लास्ट में हम इसको मिक्स करके इसको फ्रिज में स्टोर करने देंगे ओवरनाइट. और इससे आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के ऊपर टाइम स्पेंड करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपका ऑलरेडी ब्रेकफास्ट रेडी है. सो इसको हमने ओवरनाइट स्टे करने दिया था और आप देख सकते हो इसमें पूरा स्वेल हो चुका है बेसिल सीड्स. हमारे यहाँ पे ओट्स की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है. अगर आपको इतनी ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी नहीं पसंद है तो आप इसमें अगेन 1/2 cup ऑफ मिल्क ऐड कर सकते हो. मैं यहाँ पे चिल्ड मिल्क यूज़ कर रही हूँ. आप इसमें चाहो तो अपने पसंद के सीड्स और नट्स ऐड कर सकते हो. अभी मैं इसको टॉप करूँगी 1/2 mango एंड 1/2 banana से, जो हमने कल स्टोव किया था. हम इसको अभी ऐड इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एक एक बाइट में फ्रूट पीसेस आना बहुत ही यम्मी टेस्ट देता है एंड आई लाइक इट अलॉट. अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है फ्रूट स्टॉप करने का, सो टेक दिस जार अलॉन्ग विथ यू. उसके साथ बनाना लेके जाओ और जब आप खाओ उसके ऊपर चॉप करके रेडी. एंड इन द एंड मैं इसमें और थोड़ा सा कोकोनट ऐड कर रही हूँ एक फाइनल टच देने के लिए. सो इट्स कम्प्लीटली रेडी. डू ट्राई दिस गाइस एंड लेट मी नो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.